हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका टर्म वन के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है, तो कल हमने क्लास टेन मैथ्स का सॉल्व किया था, आज हम क्लास टेन साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, टर्म वन का सैम्पल पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्वेश्चन देखते ही पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन को देखना है। सबसे पहले कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखते हैं। टाइम इसमें भी 1.5 घंटे का है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैथ में आपका जो क्वेश्चन था वो 40 मार्क्स का था टोटल, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए, ये पेपर में तीन सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन, जिसमें से 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन, इसमें से 20 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन, इसमें से कोई 10 अटेम्प्ट करना है। तो 20, 20, 40, 10, 50 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स, यानी सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको सारा क्वेश्चन करके आना है, गलत होने से कोई लॉस नहीं है। तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन, कोई 20 अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे एक अच्छा बात लिखा है, फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन विल बी इवेल्युएटेड। कोई बच्चा मान लीजिए इस सेक्शन में 24 क्वेश्चन है, वो मान लीजिए इस सेक्शन में 23 क्वेश्चन करके आ जाता है, तो इस 23 में से जो पहला 20 होगा ना, वही चेक किया जाएगा। तो नंबर 21, नंबर 22 जो आपने किया वो चेक नहीं किया जाएगा, भले ही आपका ये दोनों सही हो और यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत निकल जाए, तो यही को इसी को कंसिडर करके मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। ये करना बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप वही 20 करें, सिर्फ वही 20 करके आए जो आपको अच्छे से आता हो। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। रीमा टुक 5 मिलीलीटर ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, वॉट वुड सी ऑब्जर्व। तो ये चैप्टर नंबर 1 NCERT से क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 में आपको इसके ऊपर एक्टिविटी मिलेगा, ठीक है। तो जब हम पढ़ाए थे तो बोले थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जिनको याद है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म इसको टिक कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन इसका कैसा होगा, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या लेना है यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड KI। तो क्या क्या मिलेगा, K के साथ NO3 आ जाएगा, तो KNO3 प्लस PB और यहाँ पे I मिलके एक प्रोडक्ट देंगे PbI2, है कि नहीं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाइट्रेट 2 है तो 2 लगाइए, पोटेशियम 2 हो गया तो 2 लगाइए, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे जो PbI2 है लेड आयोडाइड, ये प्रेसिपिटेट बनता है और ये येलो कलर का होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। फिर से टर्म वन में आने का इसका काफ़ी हाई चांसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये तो डायग्राम देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पे एक पॉप साउंड है, मतलब ये गैस कौन सा ए है, ये गैस ए कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। डायग्राम बना है यहाँ पे मेटल, मेटल में आप डायल्यूट एसिड डाल रहे हैं, डायल्यूट HCl डाल रहे हैं, तो एक सॉल्ट बनता है और एक गैस, गैस तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस ही निकलता होगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा करेक्ट है बोला जा रहा है, अगर मेटल को हम कॉपर लेते हैं तो गैस इवॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NCERT बुक में आपका पेज नंबर 44 में मेंशन किया गया है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पर गैस इवॉल्व नहीं होगा, तो ये 1 तो गलत है, ठीक है। फिर दूसरा में बोला गया है आयरन, आयरन एक मेटल है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा और गैस भी निकालेगा, ठीक है, 2 सही है। मैग्नीशियम भी गैस निकालेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है गैस इवॉल्व नो, तो ये गलत होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। जिंक भी रिएक्शन करेगा और गैस निकाल देगा, ठीक है। तो 2 और 4 राइट कॉम्बिनेशन है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है, 3 का हो रहा है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप इजिली कर पाएंगे, ट्राई कीजिए इसको करने का। बैलेंस इक्वेशन पहचानना है, तो उम्मीद करते हैं आपने इसको पहचान लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एसिड प्लस अल्कली गिव सॉल्ट एंड वाटर। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी एड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन अल्कली। जब आप ज़्यादा एसिड डाल देंगे तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो पूछा क्या है, विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। तो इस सॉल्यूशन में ज़्यादा एसिड हो, सॉल्ट तो होगा क्योंकि रिएक्शन हुआ है, एसिड प्रेजेंट हो तो कहाँ पर एसिड प्रेजेंट होगा, तो जो भी ग्राफ का पॉइंट pH से 7 से कम होगा वहाँ पे एसिड प्रेजेंट होगा, यानी पॉइंट नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये रिएक्शन हो रहा है,
विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। हम आपको अच्छे से पढ़ा रखें कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो यहाँ पे जो Fe है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है और यही रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये रहा Fe, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज एज। तो कॉपर लीजिए प्लस ऑक्सीजन लीजिए, क्या मिलेगा? कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू लगा दीजिए। तो ये दो प्रोडक्ट मिलकर एक दे रहे हैं, बताइए कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, तो ये किस एसिड और किस बेस से बना होगा? तो कैल्शियम है, यानी जरूर इस बेस में कहीं ना कहीं कैल्शियम होना चाहिए, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कैल्शियम है ही नहीं। फिर यहाँ पे कार्बोनेट है, तो जरूर एसिड में कहीं कार्बोनेट होना चाहिए, ये रहा कार्बोनेट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड। तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं और उसमें बूंद बूंद करके एसिड डालते हैं और लगातार हिलाते रहते हैं। तो बाई एडिंग एसिड टू वाटर वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टेरिंग। ठीक है, तो 9 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये तो सबको पता होगा, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 11। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबल्स ए बी सी डी। ठीक है, डायग्राम में नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे गलती से ए बी सी डी लिख दिया गया है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द मेन फंक्शन एंड या फिर और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 1, 2, 3, 4 का सही से नाम पहचानना है कि किसमें सही नाम दिया गया है और फंक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक सही किसमें लिखा हुआ है। तो 1 में लिखा हुआ है ये ट्रैकिया है, तो बिल्कुल सही है। इट इज़ सपोर्टेड बाई बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। बताइए सही है कि गलत है? यहाँ पे बोनी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कार्टिलेज रिंग्स होगा, कार्टिलेज से बना होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें, रिब्स, कहाँ पे 2, हाँ ये रिब्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, व्हेन वी ब्रीद आउट रिब्स आर लिफ्टेड। नहीं, जब सांस अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो लिफ्ट होता है, तो ये भी गलत है। सी देखें, नंबर 3 में एल्वियोली दिया गया है, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, एल्वियोली का यही काम होता है, तो ये राइट आंसर हो गया, यहीं पे गैस एक्सचेंज होता है। चौथा देखें, चौथा में क्या गलती था, डायफ्राम, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन, नहीं, व्हेन वी ब्रीद आउट तब ये पुल्ड अप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 12 में। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड बाय लोकेशन ए बी सी। यहाँ पे भी 1, 2, 3 है लेकिन ए बी सी लिखा है। यहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है मुंह में? तो एमाइलेज, एक ही ऑप्शन में है एमाइलेज, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, बी में टिक कर दीजिए। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 13 में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, बताइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये वाटर कंटेंट पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नंबर 14। द फिगर गिवेन बिलो शोज अ स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विथ लेबल्स 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन दिखाया गया है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल विथ इट्स फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले नाम चेक कर लेते हैं, नाम सबका सही सही है कि नहीं, बताइए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हार्ट है और ये बॉडी पार्ट्स कैपिलरीज है। ठीक है, तो 1 का नाम क्या हो जाएगा, चूंकि ये ब्लड वेसल्स लंग से लेके आ रहे हैं ब्लड, तो इनको हम लोग और लेके आ रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं पुलमोनरी वेन्स। ठीक है, फिर 2 को क्या बोलेंगे, ये हार्ट से लेके जा रहे हैं, तो इनको हम लोग आर्टा बोलते हैं। ठीक है, इस 3 को क्या बोलेंगे, 3 को लिख भी देते हैं ताकि ईजी हो, पुलमोनरी वेन इसको बोले थे, इसको आर्टा बोले थे। 3 को क्या बोलेंगे, ये लंग से हार्ट से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ ले जा रहा है ना, तो इसको पल्मोनरी बोलते हैं, और ले जा रहा है हार्ट से तो ये आर्टरी। ठीक है, और ये जो है ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ला रहा है, तो इसको वेना कावा, वेन्स होता है ये सभी आर्टरीज होते हैं, ये वेन्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पल्मोनरी वेन, नाम सही है क्या? हाँ बिल्कुल नाम सही है। इसका काम क्या है, ये लंग से साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ ले आता है, तो टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, एक्सप्लेनेशन गलत हो गया इसका। ठीक है,
नंबर टू, टू कहाँ है ये, टू का नाम है आर्टा, यहाँ पे लिखा है पुलमोनरी आर्टरी, नहीं ये तो नाम ही गलत है। यहाँ पे पुलमोनरी शब्द उसी के साथ जोड़ा जाएगा जो लंग से रिलेटेड हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आर्टा, ये रहा थ्री, थ्री का नाम तो पुलमोनरी आर्टरी है लेकिन यहाँ पे आर्टा लिखा हुआ है तो ये फिर से गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। डी, ये इसका नाम वेना कावा सही लिखा है, फंक्शन लिखा हुआ है टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, हाँ बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो लेके आ रहा है हार्ट की तरफ, हार्ट में भी कौन सा चैम्बर में, तो राइट ऑरिकल, ठीक है राइट आर्टेरियम में लेके आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में लग रहा है चार क्वेश्चन का पावर लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, कौन सा फेज है बताना है, तो देख के ही लग रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर सोन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो ब्लू यानी इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ से एरो एक निकलने का साइन दिया है, तो इम्प्योर ब्लड निकल रहा है लंग्स की तरफ जा रहा होगा और यहाँ प्योर ब्लड भी निकल रहा है, प्योर ब्लड निकल के बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रहा होगा, ठीक है एरो का साइन देख के हम बोल रहे हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। नंबर ए में लिखा है कि ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, तो नहीं ब्लड तो ट्रांसफर टू नहीं होगा, ट्रांसफर फ्रॉम होना चाहिए था, ब्लड यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है तो ये गलत हो गया। ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, हाँ यहाँ से ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली और साथ ही साथ ऑर्गन्स में भी जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे मूव करें 16 पे, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम बना हुआ है। मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम वन एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम टू, ठीक है तो इन सबको मैच करना है और नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो नंबर वन, वन में दिख रहा है माउथ, तो वन का क्या किससे मैच किया जाए, चलिए देखते हैं। वन, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड नहीं होगा, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्ट डाइजेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो वन का इनिशियल फेज ऑफ स्टार्ट डाइजेशन यहीं से तो स्टार्ट होता है एमाइलेज से, तो वन का बी होना चाहिए, तो वन का बी, बी में भी है सी में भी है, ए और डी तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे और चेक करते हैं, टू, टू में दिख रहा है लीवर, लीवर से क्या निकलता है बाइल जूस जिसमें बाइल सॉल्ट होता है और ये एंजाइम का एफिशिएंसी बढ़ाता है, तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज, तो टू का सी होना चाहिए, तो ये रहा टू का सी बी में है, ठीक है इसमें तो डी है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाई अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन पेशेंट टीथ, डेंटिस्ट का नाम सुनते ही कौन सा मिरर का ख्याल आता है, तो आप बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में कौन सा केस बनता होगा, सिक्स्थ केस, ठीक है जब डेंटिस्ट उस मिरर को दांत के बहुत पास ले जाएगा फोकस के अंदर आ जाएगा तो इमेज जो है वर्चुअल बनेगा लेकिन एनलार्ज बनेगा, ठीक है तो 17 का हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा डायग्राम सही है, कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ये एक पैरेलल रे भेजा गया है और ये जो डिस्टेंस है 2 इंटू फोकल लेंथ 2f पे जाके ये मर्ज किया, तो ऐसा तो नहीं होता ये फोकस से गुजरता है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। सिमिलर गलती यहाँ पे भी किया गया है, 2 इंटू फोकल लेंथ यहाँ पे जाके नहीं टच करेगा, ये फोकस लेंथ पे ही टच करेगा, ठीक है ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर अगर सी देखें तो एक पैरेलल रे आया है फोकल लेंथ पे जाके गुजरा है, ये सही है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजें तो एकदम सीधा गुजर गया है, तो ये बिल्कुल सही डायग्राम है, ठीक है। और डी में क्या गड़बड़ है, डी में आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रे तो ठीक है, सेकंड रे ऐसा कभी बेंड नहीं होता है, ठीक है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 19 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा हम भी कराए थे एमसीक्यू कराते वक्त, इसका आंसर तो रटा हुआ है ऑप्शन नंबर ए होता है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ठीक है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। आगे मूव करें 20 पे, कंसिडर दीज इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, एयर का इतना, वाटर का इतना, बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ थ्री मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होगा, तो जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली लाइटर है
यानी एयर में सबसे तेज जाएगा, उसके बाद वाटर में जाएगा, फिर ग्लास। तो एयर, वाटर, ग्लास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। 21। इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सर्फेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूसेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दो लाइट रहे, एक रेड लाइट और एक वायलेट लाइट, दोनों आप प्रिज्म पे डालते हैं। ठीक है। तो एक बार एंगल ऑफ रेड लाइट के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता है और वायलेट लाइट के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। तो बताना है आर और भी में क्या रिलेशन है। आप मेरे को सोच के बताइए, प्रिज्म में जब भी व्हाइट लाइट भेजा जाता है तो वेवगाइड जो बनता है वो इस क्रम में बनता है, VIBGYOR। मतलब जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है और रेड लाइट सबसे कम बेंड होता है कि नहीं। मतलब ये एंगल वी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, आर सबसे कम होगा। तो वी ज़्यादा, आर कम। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझे सॉल्व करने का तरीका। चलिए 22। एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मिरर हैज़ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बताना है और मैग्नीफिकेशन बताना है। चलिए, तो फोकल लेंथ यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए कितना है, 1, 2, 3, तीन बॉक्स है तो फोकल लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस सोच के बोलिए आप, इस साइड मेजर कर रहे हैं तो -3। ठीक है। और मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो m का वैल्यू तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। और चूंकि उल्टा बन रहा है तो -1 लेंगे। तो f -3 और m -1, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। फोकल लेंथ -3 और मैग्नीफिकेशन -1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समझे। 23 पे आ जाते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब। ये एक हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो इंसिडेंट रे गया है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर ही गया है और इंसिडेंट रे भी इसे चिपक के गया है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। 24। अ प्रिज्म ए बी सी जिसका बेस है बी सी, ठीक है, इज प्लेस्ड एट डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग तरीके से रखा गया। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन बिलो फिगर। ठीक है। एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराया गया अलग अलग तरीके से। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आफ्टर डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ स्काई। किस में, ऊपर से अगर हम काउंट करें तो तीसरा कलर स्काई का कलर यानी ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, यहाँ से अगर लाइट रे भेजेंगे तो क्या मिलेगा, VIBGYOR। तो ऊपर से काउंट करें तो तीसरा में येलो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन तीसरा में चाहिए था ब्लू। ठीक है। यानी समझ रहे, इसको अगर उल्टा कर दे तो काम हो जाएगा। उल्टे वाले में चेक करें, यहाँ पे इसमें काम बनना चाहिए। देखिए, यहाँ से जब लाइट रे भेजेंगे तो वेवगाइड बेस की तरफ से लिखा जाता है, तो VIBGYOR। तो यहाँ पे दिख रहा है कि तीसरा रे कौन सा है, ब्लू कलर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रे मिलेगा तीसरा में ब्लू, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। आगे मूव कर जाते हैं 25 में। तो सेक्शन ए ख़त्म हो गया, 20 करना था, हम 24 करके दिखाएं आपको। सेक्शन बी में आ जाते हैं, इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन है, 24 क्वेश्चंस है, कोई भी 20 अटेम्प्ट करना है और फर्स्ट 20 जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन ये रहा, लाइमस्टोन ऐसा कुछ लिखा है, पढ़ते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 स्टेप 2 में टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना है। तो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, यही पहचानना है। देखिए, स्टेप 1 यहाँ पे हीटेड, हीट आप बाहर से दे रहे हैं, हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक है। और स्टेप 2 लाइम स्टोन है, हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CaO मिलेगा। और इसी CaO में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर ऐड कर दे तो स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और यहाँ पे हीट रिलीज होता है, ये एक्सोथर्मिक है। तो पहला स्टेप 1 होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है। सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए 26। इन विच ईयर इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। यहाँ पे pH वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ब्लू कलर का इंडिकेट कर रहा है रेन pH वैल्यू, यहाँ पे ईयर्स मेंशन किया गया है। तो किस साल में हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा था,
तो हमें पता है जितना पीएच का वैल्यू कम होता है उतना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है। तो पीएच का वैल्यू सबसे कम कहाँ पे है, ये रहा 2008 में पीएच सबसे कम है, तो हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा इसी में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 27, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ये डायग्राम दिखाया गया है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में कुछ अलग दिख रहा है हमें, क्या अलग दिख रहा है देखिए, टेस्ट ट्यूब ए में देखिए ये मेटल HCl रिएक्शन हुआ है, कुछ यहाँ पे बना है, यहाँ पर भी मेटल HCl रिएक्शन हुआ है, नीचे में कुछ बना है, यहाँ पे भी नीचे में कुछ बना है, लेकिन मेटल बी में जो है, टेस्ट ट्यूब बी में जो है रिएक्शन होते होते ये Mg जो है पानी में तैरने लगा है, तो ऐसा क्यों। तो मैग्नीशियम जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी ये तीसरे नंबर पर आता है, तो ये काफ़ी विगरसली रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, और कौन सा गैस बनाएगा ये लोग, सब हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का जो बबल है वो इस पर चिपक जाता है, और इतना ज़्यादा बबल हो जाता है कि इसको पानी में तैरना पड़ता है, फ्लोट करने लग जाता है ये। तो देखते हैं ऑप्शन किस टाइप से है, इतना तो हमारा लॉजिक है, मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl, नहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, हाँ ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे N2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द टेबल शोन बिलो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर सब्सटेंसेस ABCD, ठीक है, आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द टेबल, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज से आइडेंटिफाई करना है, तो आयनिक यहाँ पे दिया है मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब काफ़ी हाई होता है, तो इन तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो पुअर कंडक्टर, ठीक है, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, और लेकिन एक्वस या फिर लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो गुड गुड पुअर, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी गुड होना चाहिए था, तो ये दोनों जो है आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, समझे। 29, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। कुछ याद आ रहा होगा, ये जो एसिड बेस एंड सॉल्ट NCERT बुक का फर्स्ट पेज का क्वेश्चन है ये, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर इस ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा इसलिए हुआ है, वो करी जो है रेडिश ब्राउन इसलिए हो जाता है क्योंकि सोप जब घसते हैं तो सोप बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, और जो टर्मरिक है ये नेचुरल इंडिकेटर है जो रेडिश टिंज देता है बेसिस में, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 29 का। 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स बल्ब विल ग्लो। तो बल्ब वहीं पे ग्लो करेगा जहाँ पे आयंस फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिया गया है, यहाँ पे बल्ब जरूर ग्लो होगा, फिर शुगर सॉल्यूशन में बल्ब नहीं हो, ग्लो होगा, अल्कोहल में भी ग्लो नहीं होगा, लाइम वाटर एक बेस है यहाँ पे भी आयंस फॉर्मेशन हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, यानी 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 to 35, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम तो आपको इतना प्रैक्टिस करा चुके हैं कि ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमें पता है ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो 31 देखते हैं, एसर्शन लिखा हुआ है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। तो देखिए, जब बेकिंग सोडा थोड़ा बेसिक नेचर का होता है तो जब उसको मिल्क में डाल देंगे और कर्ड एसिडिक होता है तो इसको एसिड बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो वही यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट सही है फिर। और रीज़न क्या है इसका, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। नहीं, बेकिंग सोडा क्या करता है, इंक्रीज कर देता है pH वैल्यू 6 या फिर 7 से ज़्यादा कर देगा, तब वो थोड़ा बेसिक हो जाएगा, तब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये रीज़न गलत है, गलत स्टेटमेंट है, रीज़न गलत होते ही हमें पता है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, R इज़ फॉल्स, इसी में होता है R एक फॉल्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 32, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक। नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एक्सोथर्मिक होता है, तो ये गलत होते ही दूसरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें ए गलत है, तो ए इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, समझे। जब एसर्शन गलत निकल जाता है ना तो हम लोग रीज़न नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। नंबर 33, एसर्शन लिखा है कि रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। बताइए, ये स्टेटमेंट आपने कभी पढ़ा है, तो बिल्कुल पढ़ा है, ये NCERT बुक पेज नंबर 112 जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट, उस टॉपिक में दिया गया है, ठीक है। ये रेजिन एंड गम्स क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के, तो ये सब ओल्ड जाइलम टिश्यू में स्टोर किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और रीज़न दिया है कि रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नहीं, ये वेस्ट प्रोडक्ट है इसलिए स्टोर किए जाते हैं, तो रीज़न गलत है।
रीजन गलत होता ही बताइए कौन सा ऑप्शन देंगे हम। एक ही ऑप्शन है जिसमें आर फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे मूव करें 34 पे। स्काई अपियर्स ब्लू इन द डे टाइम, सबको पता है। रीजन दिया है कि व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ सेवन कलर। तो ये स्टेटमेंट राइट तो है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्काई इसलिए ब्लू दिखता है क्योंकि जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही राइट है लेकिन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए हो गया खत्म एसर्शन रीजन बेस्ड। आते हैं 35 पे। द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ दिस एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे। तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन बी कर रहा है और डी भी कर रहा है, तो बी और डी यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 36। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। तो फिशेस में जनरली ओनली वंस ब्लड फ्लो करता है हार्ट में, ठीक है। तो शार्क, डॉग फिश, स्टिंग रे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 37। व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल अराउंड द वॉल्स ऑफ एल्वियोली एंड इन ग्लोमेरुलस इन नेफ्रॉन। इन दोनों ही में, एल्वियोली में भी ग्लोमेरुलस में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, तो क्या कॉमन है दोनों में? तो देखिए जो ब्लड वेसल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, थिन होने चाहिए। थिन वॉल्ड आर्टरी, थीक वॉल्ड नहीं होगा, थिन वॉल्ड वेन्स नहीं होगा, थिन वॉल्ड कैपिलरी होता है रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 37 का। चलिए ठीक है 38 पे आते हैं। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स, सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाई प्लांट फॉर एक्सक्रीशन। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसपिरेशन, ये तो फॉलो किया जाता है। दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेज थ्रू देयर लीव्स, नहीं, लीव्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, तो यही नॉट फॉलो होता है, ठीक है। सी देख लेते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एट रेजिन एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम, ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा था। दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इन टू द सॉइल अराउंड देम, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4.0 डायोप्टर देन इट मीन्स डेट द लेंस इज, याद है आपको ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। पावर जो है वो नेगेटिव में दिया है, इसका मतलब ये लेंस किस टाइप का लेंस है? कॉनकेव लेंस है, और इसका फोकल लेंथ भी है जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ, इसमें दिया है -50, इसमें दिया है -25, तो निकालना पड़ेगा हमें फोकल लेंथ कितना होता है। हमें पता है पी इक्वल टू 1/f, तो 4 -4 इक्वल टू 1/f, यानी f इक्वल टू 1/4, यहाँ पे माइनस होगा और ये मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर करने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो -25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो रहा होगा। 40 पे आ जाते हैं। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ये तो कम्युनिटी टैब में भी डाले थे ये क्वेश्चन को, ये भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। रेज जो है 50 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो जाते हैं, यानी 15 सेंटीमीटर ही फोकल लेंथ है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो डैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज इक्वल तभी होता है जब कहाँ पे रखा जाए, 2f पे रखा जाए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए। तो वो कितना डिस्टेंस होगा? 15 15, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ए होगा इसका आंसर। ये आपने किया ही होगा उम्मीद करते हैं। 41। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब्ड इन, ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं एमसीक्यू में, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। 42। इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, वॉट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन। ट्यूब्यूल पार्ट का फंक्शन क्या होता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, यूरिन से। तो पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ट्यूब्यूल पार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, यानी जो यूरिन होगा वो काफ़ी डायल्यूटेड, काफ़ी ज़्यादा पानी होगा उसमें, ऑप्शन नंबर डी। 43 पे आते हैं। इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। आराम आराम से पढ़ के करते हैं। सबसे पहले लेंस का बात किया जा रहा है और रियल इमेज बन रहा है, तो इससे पता चल गया कि लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है।
थ्री टाइम्स का इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यानी मैग्निफिकेशन जो है वो तीन गुना बन रहा है, थ्री, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो माइनस थ्री हो गया ये। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस वी जो है वो 80 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, प्लस 80 होगा ये। एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल, यू पूछा है आपसे। तो हमें पता है एम इक्वल टू क्या होता है, वी बाई यू, यानी माइनस थ्री इक्वल टू 80 बाई यू। यहाँ से सॉल्व कर देंगे यू के लिए, तो माइनस 80 बाई थ्री, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। समझ में आ गया। 44. व्हाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नालिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। नालिनी ये सब बात बोलती है, क्या क्या बोली है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। तो देखिए फोकस, ये एक कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, फोकस के इधर रखा गया है, तो इमेज वर्चुअल तो नहीं होगा, रियल होगा। वर्चुअल एक ही केस में बनता है जब विद इन फोकस रखा जाए, ठीक है, तो ये तो गलत है। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये इस तरफ से डायरेक्शन करके भेजा गया है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करके, तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये सही बात है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, हाँ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनता है जब रियल बनेगा तो। और दिस इज अ कॉनकेव मिरर, बिल्कुल सही है, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ यहाँ पे वन छोड़ के बाकी टू थ्री फोर राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है, लेकिन ये दोनों मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है, ये अगर हवा है तो ये भी हवा होना चाहिए, और एंगल फोर के भी इक्वल है, ठीक है, लेकिन एंगल टू छोटा है एंगल वन से, एंगल टू एंगल वन से छोटा है, तो बिल्कुल सही बात है, जरूर एंगल टू टेंसर मीडियम होगा और ये रेरर मीडियम होगा, तभी लाइट का स्पीड कम हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा बना। कौन सा स्टेटमेंट सही है, मीडियम वन इज डेंसर देन मीडियम थ्री? नहीं, मीडियम वन और मीडियम थ्री तो सेम डेंसिटी वाला है, तो ये गलत है। मीडियम टू इज द रेयरेस्ट मीडियम, नहीं यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा रेयर तो ये है, तो ये तो स्टेटमेंट यहीं गलत हो गया। मीडियम थ्री इज डेंसर देन मीडियम वन, नहीं, ये दोनों का डेंसिटी सेम है, मीडियम वन और थ्री का। मीडियम वन एंड थ्री आर इनिशियली द सेम मीडियम, बट मीडियम टू इज डेंसर देन मीडियम देन वन एंड थ्री, ठीक है। वन और थ्री सेम मीडियम है और मीडियम टू जो है वो वन और थ्री दोनों से ज़्यादा डेंसिटी में है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लॉजिक समझे कि नहीं समझे। 46 पे आते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर अल्कोहल इज इतना विद रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल? तो जब भी विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे आता है, फ्लिंट ग्लास का कितना दिया है 1.65 और फ्लिंट अल्कोहल का कितना दिया है 1.36। इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 1.21। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दो का अलग अलग दिया हो विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो दोनों का अगर निकालना हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता कि अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू फ्लिंट ग्लास, तब हम जो भी विद रिस्पेक्ट टू लिखा रहता है बाद वाला वो नीचे में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लिंट ग्लास होता तो नीचे में ये डाल रहे होते। नंबर 47 एक न्यूमेरिकल दिख रहा है। द अबव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलिए पढ़ते पढ़ते डेटा भी लिखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट h इक्वल टू दिया गया है 2 मिलीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही होगा ये। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम लोग। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, h डैश निकालना है। तो देखिए सबसे पहले f और u को यूज़ करके आप v निकाल लीजिए, लेंस फॉर्म लगाएंगे, v जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, m इक्वल टू एच डैश बाई एच होता है इक्वल टू वी बाई यू। तो यहाँ से एच डैश इक्वल टू बोल सकते हैं वी बाई यू इंटू एच। वी आया है -10, यू था -5 और हाइट 0.2। सॉल्व कीजिए इसको 5 से। सबसे पहले तो ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लेते, ये 10 कर दिया, माइनस माइनस भी कर दिया, 2 बाई 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन है मिलीमीटर में भी, तो 2 बाई 5 इंटू 10 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 24 जा, यानी 4 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो रहा होगा।
समझे, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा। मेन है ये चीज़ निकालना भी, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। चलिए 47 हुआ। 48, अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड फॉर यूसेज बाय द कंपनी। एक तार बनाने वाली कंपनी है, वो कुछ एलिमेंट्स को टेस्ट करती है और ये सब प्रॉपर्टी पाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्स है ये मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, लेकिन अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है, कम हीट में ही पिघल जाएगा ये, ठीक है। तो ये कंपनी कौन सा एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर देगी, मतलब नहीं चुनेगी। तो यहाँ पे देखिए W जो है वो बहुत अच्छा दावेदार है, ये मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, खींच के तार बना सकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा कंडक्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, ज़्यादा गर्म होने के बाद भी ये पिघलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डब्ल्यू को तो सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो इसमें भी डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, यानी ये आंसर तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड को डिस्कार्ड कर देंगे, डब्ल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया सेक्शन बी। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, 10 अटेम्प्ट करना है और पहला 10 को ही इवैल्यूएट किया जाएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्ट स्टोरी। द सॉल्ट पैंस इन मरक्कनम, अ पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु। तो अक्सर जब भी केस स्टडी में ये सब जो लिखा रहता है, सबके ऊपर क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर टाइम का कमी हो तो आप ये सबको पढ़ना अवॉइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन कैसा कैसा है। ये टेबल में लिखा है, ये टेबल क्या शो कर रहा है। द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑब्टेंड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज एवेपोरेटेड। 1 लीटर पानी को उबाले तो ऐसा ऐसा कुछ मिला। सोडियम क्लोराइड 28 ग्राम मिला है, मैग्नीशियम क्लोराइड इतना मिला है, मैग्नीशियम सल्फेट इतना, ये सब ऐसे मिला है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इतना मिला है। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वही रिलीज करेगा जिसमें क्या हो, कार्बोनेट हो। ये रहा कार्बोनेट, एक ही ठो में है तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर होगा। ऑप्शन से भी जा सकते थे, यहाँ पे एक ही में कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 130 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाई एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को एवापोरेट किए तो टोटल 135 ग्राम सॉलिड मिला आपको। तो इस 135 ग्राम सॉलिड में कितना मैग्नीशियम सल्फेट है, तो देखिए जब 45 ग्राम सॉलिड मिलता है तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम होता है। 45 जब सॉलिड होता है तो मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम होता है, तो 135 सॉलिड होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट कितना होगा, तो 6 by 45 into 135, इसको काटेंगे 3 जा 6 3 जा 18 ग्राम, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो अच्छा खासा एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बिटवीन 1 to 3 पीएच वाला लेंगे एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे रहे थे, इन सब का उतना ज़्यादा रोल होता नहीं है ये सब लैंग्वेज का, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में अगर जरूरत हुआ टेक्स्ट पढ़ने का तब ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, पहले ही पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर दूसरा केस स्टडी है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। द फिगर, फिगर देख के आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा एक्टिविटी यहाँ पे किया जा रहा है। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर केप्ट इन द डार्क फॉर 72 आवर्स, ताकि स्टार्स यूज हो जाए पूरा पूरी। आफ्टर 72 आवर्स KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक वॉच ग्लास में, सेटअप एक्स में रख दिया गया, लेकिन सेटअप वाई में KOH नहीं रखा गया, ठीक है। बोथ दिस सेटअप्स आर एयर टाइट, हवा नहीं जाएगा अंदर में, और इसको लाइट में रखा गया 6 घंटे तक। फिर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया गया एक्स और वाई के एक एक पत्ते पर, ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज टू प्रूव इसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। याद है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से क्या प्रूव करते हैं हम लोग, कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑप्शन नंबर सी। फंक्शन ऑफ KOH क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ ऑफ फ्रॉम प्लांट एक्स एंड वाई। तो ये आयोडीन जो है स्टार्स के साथ मिलकर कौन सा कलर बनाता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो स्टार्स किस में प्रेजेंट होगा, इसमें KOH डाला गया था, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं होगा, तो स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ नहीं होगा।
यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर मिलेगा वो ब्लू ब्लैक मिलेगा वाई के साथ में। तो देखते हैं, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेंड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट एक्स, नहीं ये गलत हो गया, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेंड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई, हाँ वाई के साथ ब्लू ब्लैक मिलेगा और नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलो टू मेक द एपरेटस एयर टाइट, एयर टाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ था अप्लाइंग वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ जार, ये तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, ठीक है, ग्लास प्लेट पे भी रखेंगे तो बाहर से अंदर हवा नहीं जाएगा। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर, ठीक है, 56 का सी। आगे मूव करें, फिर से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा है कि नूर अ यंग स्टूडेंट वॉज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। सी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स एज शोन इन द फिगर, वो एक बॉक्स के अंदर ऐसे एक्स कोई सब्सटेंस रखती है, एंड विद द हेल्प ऑफ अ लेजर पॉइंटर मेड लाइट रेज पास थ्रू द होल्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स, कुछ होल्स के जरिए और लेजर पॉइंटर के जरिए दो रे ऑफ लाइट भेजती है वो, ठीक है। सी हैड अ स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन ऑन टू सी द स्पॉट्स ऑफ लाइट बींग कास्ट एज द इमर्स, और यहाँ पे बटर पेपर रखती है इस साइड में स्क्रीन के रूप में और देखती है कि कैसा लाइट निकला है। तो वॉट कुड बी एक्स डेट सी प्लेस इन साइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन, तो यहाँ पे रेज लेटरली डिस्प्लेस दिख रहे हैं, यहाँ से गए यहाँ से निकले, तो सबको पता है ये पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। 58, सी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 डिग्री, सी न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एक्स इन साइड द बॉक्स वॉज 1.5, वॉट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब भी आपको क्वेश्चन में एंगल्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ होने वाला है। स्नेल्स लॉ बोलने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन आई बाई साइन आर होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है मटेरियल का 1.5, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन 48.6 डिग्री, इसका वैल्यू अप्रोक्स बोला है 0.75 ले लो, तो 0.75 बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ से जब साइन आर निकालेंगे ये इसका डबल है टू जा कटेगा, साइन आर आ रहा होगा 1/2 यानी साइन 30 डिग्री है ये, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन, ठीक है, और ये साइन यहाँ पे लिखा था इसे भी पता चल रहा था कि यहाँ पे हमें स्नेल्स लॉ यूज़ करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 59 पे, हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन, उसकी फ्रेंड ये सब ऑब्जर्वेशन करती है। नंबर वन, वो बोलती है कि ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर, नहीं गलत है वो यहीं पे, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर होता। नंबर टू में बोलती है एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विल सेम वेलोसिटी, नहीं अलग अलग वेलोसिटी होता है, एयर में ज़्यादा वेलोसिटी होगा ग्लास में कम होगा, ये भी गलत बोली वो। थ्री, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास, हाँ ये सही बोली वो। फोर, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर, नहीं डेंसर मीडियम में स्लो होता है, ठीक है, ये भी गलत बोली वो। द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम गिव्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, ये दूसरा ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखी है वो, ठीक है। तो ये भी जो है सही स्टेटमेंट है, और एक कौन सा बोली थी वो, थ्री, तो 3 और 5 यानी कौन सा होगा, 3, 5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 59 का। और आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला अगर मटेरियल रखा जाए एक्स के अंदर तब क्या होगा, तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम दिखेगा, ये जो लाइट है वो कम शिफ्ट होगा, इतना ज़्यादा पहले यहाँ से जा रहा था ना, यहाँ से ज़्यादा जाता, इतना शिफ्ट ना हो गया यहाँ से लाइट निकल जाएगा, थोड़ा कम शिफ्ट होगा वो, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, लेटरल शिफ्ट ऑफ रेज वुड हैव बीन लेस, हाँ यही ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दिया है, ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब जिस जिस इमेज में डायग्राम यूज़ हुआ है उन सब क्वेश्चंस को वही सेम क्वेश्चन को वर्ड में लिख दिया गया है, ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व नहीं कर रहे, वही सब क्वेश्चन रिपीटेटिव है यहाँ पे, बस अंतर एक ही, यहाँ पे डायग्राम ना देखे वर्ड्स में लिखा हुआ है।
तो ये होगा टोटल 60 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व किया होगा खुद से भी और काफ़ी सारे का आंसर भी दिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड तो थे नहीं, एक दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के थे और एक जो सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन था हार्ट वाला वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कोई अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और चैनल पर बहुत सारे कंटेंट है आप उसको देखिए, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।